जनूबी अफ्रीका और हांगकांग समेत 7 अफ्रीकी ममालिक के मुसाफिरों पर सफरी पाबंदी आयद की गई है। कोरोना की नई किस्म से बचाव के लिए पाकिस्तान का बड़ा फैसला। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस फैसले के हवाले से मजीद डिटेल्स जानेंगे। सईद बताइएगा। जी बिल्कुल रिदा, कोरोना की नई जो किस्म है उससे बचाव के लिए पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी और NCOC का नया फैसला है वो सामने आया है। जनूबी अफ्रीका और हांगकांग में 7 ममालिक के मुसाफिर पर सफरी पाबंदी है वो आयद कर दी गई है। उन ममालिक में जनूबी अफ्रीका, हांगकांग, मोजम्बिक समेत नीबिया, लिथुसिया और बोस्वाना के ममालिक हैं वो शामिल हैं। पाबंदी वाले ममालिक से वापस आने वाले पाकिस्तानी को मशहूर जांच की जो हदायत है वो दी गई हैं। वापस आने वाले शहरी के पास नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लाजमी है वो करार दिया गया है और वापस आने वाले पाकिस्तानियों का पहुंचने पर टेस्ट भी किया जाएगा और नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आने वाले मुसाफिर को 3 रोज की के लिए क्वारंटीन रहने की शर्त है वो भी लाजमी करार दी गई है। और जराए का ये कहना है कि इस हवाले से 29 नवंबर तक सिविल एविएशन अथॉरिटी और AF हकाम जो है वो तमाम डाटा है वो शेयर करने की हदायत है वो की गई है और ये भी हदायत की गई है कि पाकिस्तान पहुंचने पर रैपिड टेस्ट मुस्बत निकलने वाले। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे।